अमरेश की गर्लफ्रेंड है, जिशान की गर्लफ्रेंड है। मैं इससे नाराज हूँ, इसके लिए नहीं आऊंगा, अपना मुंह पे बोल के जा रहा हूँ। हम लोग सबसे पूछेंगे कि तुम लोग जिम किस लिए कर रहे हैं? कुछ लोगों का जी मैं हूँ अमरेश, मैं हूँ जिशान, मैं हूँ अमर, और हम हैं फोकस। और आज पहली बार हम लोग के साथ अमन और शोएब आए, तो बहुत आतंग होने वाला है गाइस। चलो सो गाइस, हम लोग यहाँ पे अपना पसीना बहा रहे हैं और यहाँ देखो इन लोग आराम फरमा रहे हैं। क्या ये तुम आ रहे है? अच्छा विदाउट शूज जूता का है, कंप्लेंट करूं? ठीक है, नंबर ही है सिर्फ सबका। गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे गाना बंद हो गया है, मतलब हम लोग की खुराफाती चीजें चालू हो गई है। तो आज हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, शोएब और अमन को भी इसी वजह से लाए कि हम लोग सबसे पूछेंगे कि तुम लोग जिम किस लिए कर रहे हैं, किस लिए करते हो, क्यों करते हो। ठीक है, पहले स्टार्ट अपने वालों से ही करते हैं, अमन और शोएब से, क्योंकि इन लोग भी जिम जाना अभी अभी चालू किया है, तो पता करते हैं लोग क्यों जा रहे हैं जिम। आओ ये देखो शोएब, अमन अरे इधर ध्यान दो बे। हाँ तू जिम क्यों करता है? हाँ जोर से बोल, जोर से बोल। ले सो गाइस आप लोग देख रहे हो शोएब भाई फिटनेस फ्रीक होते हैं। अमन रोला जमाना है लॉन्डो में, रोला हर कोई जिम जा रहा है। हम लोग भी अपने ऑडियंस को मैसेज देना चाहते हैं, आप लोग भी जिम जाओ, फिट रहो, हेल्थी रहो, मेंटल हेल्थ ध्यान दो, और हम लोग का ब्लॉग देखो, मेंटल हेल्थ अच्छी रखने का। ये सही बात थी। चलो आओ अब ना लोगों से पूछते, ये जितने लोग हैं ना यहाँ पे सबसे पूछते कि आप लोग जिम क्यों जाते हो। चलो स्टार्ट करते पहले यहाँ की एक क्राउड से, यहाँ पे क्राउड खड़ा है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिम क्यों करते हो? दो मिनट पहले बोल रहा था मैं तो लड़की पटाने के लिए करता हूँ, ये कैसा पलटी गाय तुमने लगी। तो अभी नेक्स्ट हाई से पूछेंगे भाई, तुम जिम क्यों करते हो? तुम जिम क्यों करते हो? फिट रहने के लिए। फिट रहने के लिए, वाह क्या बात है। मोस्टली तुम जिम क्यों करते हो? मोस्टली लोगों का आंसर यही है फिट रहने के लिए, और बस कुछ लोगों का ये आंसर है कि लड़की बनाने के लिए। कुछ लोगों का जी ये 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 लड़की बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई इधर इधर अपने यानी जिम के ट्रेनर से पूछते हैं भाई तुम जिम क्यों करते हो? अपना हेल्थ अच्छा, जिम ही मेरा है ये भाई आगे तुम जिम सच में बोल रहा अपना हेल्थ के लिए अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे फीमेल क्लाइंट के लिए, बोल नहीं सकता नहीं मस्ती करो गाइस, ऐसा कुछ नहीं भाई, फिट रहने के लिए करते हैं, वही बोल रहे जब से हम लोग ही मस्ती मजाक करते हैं। ये भाई बच्चे हैं, ये भाई बच्चे और तुम जिम क्यों करते हो? आप क्यों करते हो? रुको 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 आप क्यों करते हो भाई? मैं बताऊं मैं क्यों? अरे भाई ऐसे कान में नहीं बोलो, सबके सामने क्या बोल रहे हो? मेरी शादी हुई है ना हल्दी, उसमें ना दो नहीं मैं अपने अपनी बॉडी ना अपनी बीवी के लिए वो रखा हूँ, सेफ रखा हूँ, शादी के लिए हम लोग आ गए हैं घर पे और सब सब बैठे हुए, देखो
ये चाय पीते हुए लोग से भी पूछ लेते ना। हाँ पूछ पूछ। हाँ भाई तुम जिम करोगे तो क्यों करोगे? पेट अंदर करने के लिए। ऐसी बात है, मकसद फिट रहने के लिए। फिट रहे आरती थकने के लिए। थकने के लिए तुम जिम करना चाहते हो? और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? हमें थकना ही ना, यहाँ से तलो जा, यहाँ से अपने घर पैदल जा। हाँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम लोग जिम क्यों नहीं करते हो? मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मैं थक जाती हूँ। इसके लिए नहीं करती क्योंकि मैंने अभी तक वो डेली एक दिन आए थी ना करने के लिए, शॉर्ट हो गया कल, देखा नहीं। अरसलान भाई तुम जिम क्यों नहीं करते हो? मेरी गलती है उसमें, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं ना कर पा रहा हूँ, मेरे पास ट्रैवल एक्सेसरीज नहीं है, सो दैट आई कैन कम हियर एंड आई कैन जिम विद यू पीपल। सो गाइस माशाल्लाह तुमको, आप लोगों सबका बता दिया हम लोग ने कौन क्या कर रहा है। अच्छा हाँ, तू क्यों जिम कर रहा है? मैं क्योंकि जिम कर रहा हूँ, क्योंकि जिम करने को आदत बन गई अभी, क्योंकि जिम करने की आदत सी है। पहले 21 दिन जिम गया, उसके बाद आदत बन गई। पहली बार ही जिम ज्वाइन क्यों किया? जिम डबल पहली बार जो आदत तो बाद में लगी ना, पहले क्यों किया? नहीं मैं बहुत दुबला था ना, तो थोड़ा मतलब गेन करने के लिए मैंने। यही रीजन है मैं भी जिम ज्वाइन करने। ये देखो ये ना बदल लू। अभी हम लोग निकले हैं कुछ शॉपिंग करने जिम का थोड़ा सामान लेने, और शोएब और अमन जो है दोनों जिशान और मेको कुछ दिलाने वाले आज, सरप्राइज एकदम गिफ्ट देने वाले। हम लोगों को पता नहीं क्या हुआ, लोग आज बोले कि आज तुम लोगों को कुछ दिलाते हैं हम लोग, तो हम लोग बोले चलो हम लोग जहाँ कपड़ा लेते हैं वहीं चलते हैं, वहां से दिला देना हम लोग को। अमन कोई बात नहीं हुई। हाँ शोएब अबे झूठ मत बोलो भाई, अभी कैमरे पे तुम लोग ऐसा मत करो, कैमरा चालू किया था। ऐसी बुरी बुरी बात है, हम लोग दवाज पे लाते तक निकालने की तो थोड़ी दो बात लाते तक नहीं है। तो गाइस देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा था, अमन और शोएब आए हैं हम लोगों को कपड़ा दिलाने के लिए। ले हां कुछ दिलाने नहीं, अपने लिए चप्पल लेने आए थे। ये देखो हम लोग को धोखा मिला गाइस, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, चलो चलते हम लोग, लेकिन धोखा नहीं देंगे, हम लोग जा रहे हैं अभी प्रोटीन लेने। अमन एक काम करना, यहाँ चिल्ला के बोल देना। अभी अमन और श्वेत दोनों निकल रहे हैं, ठीक है, तो तुम लोग अब कब आएंगे? तो आएगा नहीं अगले साइड है। क्यों बोल देना, हफ्ते में आऊंगा। क्यों? हाँ बॉडी ज्यादा बन गई है पगले। शोएब बोला नहीं आएगा गाइस। हाँ आप बताओ इसके साथ क्या करना चाहिए? इधर देखो बॉडी दिखाओ, आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा वो बोल। इससे मेरा झगड़ा होगा गाइस, नहीं आएगा। मेरे लिए बैड कमेंट करो। नहीं आएगा, बैड कमेंट करो। आएगा नहीं आएगा जल्दी बोल। अच्छा आएगा नहीं आएगा? आएगा नहीं आएगा? किसी को जबरदस्ती नहीं बुला, मैं इससे नाराज हूँ, इसके लिए नहीं आऊंगा। अपना मुंह पे बोल के जा रहा हूँ। अब जो चले गया उसको कैसे रोक सकते? मैं तो कोशिश की अपनी रोकने की, जैसे दिशा ने बोला कैसे छोड़ा, मैं तो कब से कैसा पूछ रहा था। मैं पूछ ही रहा हूँ कब से, लेकिन बता रहा ही नहीं है। ये देखो गाइस, इसमें एक चीज अच्छा है कि ये बटन टूटने का डर नहीं रहता है, खाली खोल दो बस। तो अभी हम लोग प्रोटीन लेके आ तो गए हैं, और हम लोग बहुत ज्यादा थक गए हैं आज के दिन, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो अभी हम लोग आए हैं कुछ खाने के लिए, सैलेड खाएंगे, उसके बाद फिर घर जाके आराम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पे पहुंच गए हैं, सब कुछ काम निपटा के। लेकिन अभी समद आया है बहुत दिन बाद। समद तू जिम क्यों नहीं करता है? मैं नहीं करता क्योंकि फिर मतलब लाल को गर्लफ्रेंड में, लेकिन क्या 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 वो बोल रहे हैं, बिलाल को गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी ना, इस वजह से समझ जिम नहीं करता है। ये देखो बिलाल का रिएक्शन, वाह। तेरा मतलब क्या है गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी? क्या मेरे पास अभी गर्लफ्रेंड भरी पड़ी है क्या जो तू ऐसा बोल रहा है? क्वेश्चंस हम लोग बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे थे हमारे कमेंट्स में, तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं जिशान के एड्स से। तो जिशान अपने एड्स क्यों नहीं दे रहा है आजकल वीडियोस में? क्योंकि आप लोग कमेंट ही नहीं करते।
झूठे क्या झूठ बोल रहे हैं गाइस, करूंगा। आप लोग के बहुत कमेंट आ रहे हैं एड्स एड दिखाओ, तो मैं कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नए नए एड्स लेकर आओ, मतलब हमेशा एक ही चीज समझ लो, नए नए एड इन्वेंट कर रहा हूँ मैं, मतलब समझ लो step, बना step. रहा हूँ मैं नए नए एड्स आपको देखने मिलेंगे बहुत जल्दी। और गाइस एक और एक कमेंट बहुत आ रहा था कि अवरेश बार बार कैमरा रोमांस किसके साथ करते, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? गाइस मैं कैमरा रोमांस जो करता हूँ वो इसलिए करता हूँ क्योंकि आप लोगों को मजा आए देखने, मतलब जिशान कॉमेडी में अच्छा है तो जिशान कॉमेडी वाला कुछ करता है, मैं थोड़ा समझ रहा हूँ ना गाइस रोमांस। तो गाइस इस वजह से मैं करता हूँ। और एक और चीज बहुत ज्यादा मतलब हम लोग की लाइफ के रिलेटेड है जो आप लोगों को बहुत चीजें बताना, हम लोगों को देखो बहुत सारी चीज आप लोगों से शेयर करना है। एक ये हम लोग की लाइफ में लाइफ का जो हम लोग ने स्ट्रगल किए है सब कुछ कैसे हुआ वो एक आपको स्टोरी बताना है। ये फोकट्स नाम हम लोग ने यूट्यूब के चैनल का क्यों रखे सब एक साथ बता देंगे एक ही वीडियो में, अगर आप ये वीडियो में कमेंट करके बता दो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि इसके बाद वाली वीडियो ना अवरेश के लिए शायद अवरेश के लिए या जिशान के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आपको ये सब जानना भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जबरदस्ती कुछ भी गाइस ये कुछ और कुछ भी बोला, मैं बस ये पूछ रहा हूँ। ये आप लोगों को बहुत ज्यादा ये भी कमेंट आते हैं कि जिशान की गर्लफ्रेंड है क्या, अवरेश की गर्लफ्रेंड है क्या, तो आप लोगों इसका भी जवाब मिल जाएगा, क्या जिशान की गर्लफ्रेंड है क्या अवरेश की गर्लफ्रेंड है? तो गाइस इसका सवाल इसका जवाब आपको शायद नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, एक का तो मिल ही जाएगा, ये वीडियो में तो नहीं मिलेगा, एक का तो बन ही जाएगा कर, तो हाँ ये तो आप लोगों को पता चल गया, एक का तो कंफर्म मिल जाएगा, विद नेम विद फेस रिवील एवरीथिंग यू विल गोना नो यस, हो भी सकता है नहीं भी हो या हो भी सकता हो, तो ये चीज आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगी, बहुत मजा आने वाली है गाइस, आप लोग बस एक्साइटेड रहो। और हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप लोगों को पता चला जिशान की गर्लफ्रेंड है तो आप लोग का रिएक्शन क्या है, तो आप लोग का रिएक्शन क्या होगा, हाँ तो वो चीज आप लोग कमेंट करके बताओ, तो हम लोग वो चीज आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। व्लॉग गाइस यहीं पर एंड करते हैं, बहुत मजा आया, बहुत थकान हो गई है, करते हैं मरकत, इसीलिए लोग हमें कहते हैं फोगट्स, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल आइकन।